Shri Govind Jai Jai Gopal Jai वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम् वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुपो भी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञान विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सर्गं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम् सारभूतम् परिजन सहितम् श्री कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललता श्री शाखान्वितांश्च आयान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्त नयिक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासन्तुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतु मंद मते दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र संमीपो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री विदग्ध माधव नाटक पूर्व संघ में श्री वृंदा जी मधुमंगल दोनों श्री पौर्णमासी जी से मिले और श्री पौर्णमासी जी श्री कृष्ण प्रेम अपूर्व तान रूपण कराई कि ब्रज का जो प्रेम है वो ऐसा अद्भुत है कि यहाँ पर लोक वेद में जो नियम वे सब उल्टे पुलटे हो गए। ये प्रेम पतन की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है प्रेम रूपी नगर की कि यहाँ पर स्तुति तो हो जाती है निंदा और उपेक्षा हो जाती है स्तुति। जहां पर्यंक स्थित रेव यत्र भवती श्री रसकोत्तन सिंह प्रेम पतन का निरूपण कर रहे हैं कि ये ब्रज का प्रेम ऐसा अद्भुत श्री नुकुंज का प्रेम ऐसा अद्भुत कि यहाँ श्याम सुंदर जी नुकुंज मंदिर पर पधारे तो श्री प्रिया जी को उठ करके खड़े होकर के श्याम सुंदर का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। कभी श्री प्रिया जी उठ करके खड़ी हो जाए तो श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक कांप जाए भयभीत हो जाए कि जरूर माप होगा बहुत ज्यादा इसलिए इतना आदर दिया जा रहा है। उल्टी बात कि पर्यंक स्थित रेव यत्र भवती प्रत्युद्गमक प्रक्रिया शैया के ऊपर बैठे बैठे ही जहां अभ्युत्थान की प्रक्रिया पूरी हो जाए और ठसक करके बैठ जाए शाम में आ रहे हो प्रिया जी और ठसक करके बैठ जाए उठना तो बड़ी दूर की बात रही। और रे शब्दों पे भवे भवत प्रतिनिधि
रे कह करके, तू कह करके, तू कार्य से जो बोलना वही आपका वाचक हो जाए। यहाँ आप कह करके बोलने की, आदर कह करके दे करके बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तू कार्य से बोलना ये ज्यादा रस को प्रकट करने वाला है। तो रे शब्दों में भवे, अरे कह करके बोलना, तू कह करके बोलना, ये भवत प्रतिनिधि, ये आपका प्रतिनिधि बन जाए। यत्र प्रसंगो देता, प्रसंग में जो भी तू निकल जाए, आप निकल जाए, रे निकल जाए, वह उल्टा आदर का वाचक बन जाए। और चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्ययः, प्यारे के ऊपर सर्वस्व निछावर कर रही हैं, परंतु ऐसा अनुभव कर रही हैं कि जैसे बहुत बड़ी संपत्ति मिल रही हो, लाभ हो रहा हो। तो खर्ची ही हो जाए जहां लाभ, और लाभ हो जाए जहां खर्च, आय हो जाए व्यय, व्यय हो जाए आय। ये प्रेम पतन की रीत सब उल्टी है, प्रेम नगर की उल्टी रीति है। तो रे चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्ययः, अद्वैत प्रतिपादकाय सर्वदा स्नेहाय तस्मै नमः। ऐसा ये जो प्रेम है, ये प्रिया प्रीतम दोनों के मन ऐसे मिले हुए हैं कि अद्वैत प्रतिपादक है, इनके तार एक होकर के मिले हुए हैं, ऐसे सर्वदा स्नेहाय तस्मै नमः। सुरजनों के उस स्नेह की हम वंदना कर रहे हैं। श्री पौर्णमासी जी कह रही है कि श्री राधा माधव का जो प्रेम है वो अद्भुत है, और विदग्ध मधुर मिथुन उनकी परमोत्कर्ष रेखा उसका दृष्टांत है, अर्थात प्रेम का जो ग्राफ उसकी चरम सीमा के रूप में ये राधा माधव का जो प्रेम है वो भावामृत भूमा होकर के विराजमान। भूमा का तात्पर्य है विभू, जैसा कि कहीं कठोपनिषद में निरूपण किया गया, यद भाई भूमा तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति, भूमा ही सुख है। श्री वृंदा जी कह रही है कि भगवती श्री कृष्ण का क्या दशा है, उस दशा का, कृष्ण की दशा का वर्णन कर रही हूं कि यष्टिम वष्टिन पाणिना, श्री श्यामचंदर अपने हाथ में छड़ी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। यष्टिम वष्टिन पाणिना कलय तुम श्रृंगेर संगार्थिताम धत्ते धातु अंग मंडन मई नांगी करोते क्रिया, और कलय तुम श्रृंगेर संगार्थिताम, वे श्रृंग जो है उनको भी, महिष श्रृंग जो श्री श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है उसको भी अपनी संगी नहीं बना रहे हैं, अर्थात महिष श्रृंग भी नहीं बजा रहे हैं। परम सुंदर श्री श्याम सुंदर का महिष श्रृंग काले रंग का वो श्रृंग है जिसका ऊपर का भाग दो अंगुल छोड़ करके वो सोने से मढ़ा हुआ है, उसके ऊपर हीरा की गंडा है, नीचे का जो फूंक मारने वाला जो भाग है टेढ़ा सीन का पतला वाला, वो भाग भी मुख से सोने से मढ़ा हुआ है, और ऊपर का जो भाग है उस ऊपर के भाग में सुंदर मोती के तीन झब्बा लटके हुए हैं जो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी विभिन्न शोभा से युक्त सोने से मढ़ा हुआ, रत्नों से मढ़ा हुआ जो महिष श्रृंग, उस महिष श्रृंग को भी श्रृंगेर संगार्थिताम कलय, उस श्रृंग के प्रति संगार्थी श्री कृष्ण नहीं बन रहे हैं, अर्थात उस सिंह को भी, सिंगी बाजे को भी श्री कृष्ण नहीं बजा रहे हैं। कृष्ण श्याम सुंदर, आप राधिका के स्नेह में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, उनका दर्शन न करके व्याकुल हो रहे हैं। धत्ते धातु भी अंग मंडन मई नांगी करोते क्रिया, धातु भी श्री गोवर्धन की कजरारी से काजरी शिला, श्री गोवर्धन की जो सुंदर गेहूं की शिला है, गेरिक शिला, उनसे सखागण अनेक अनेक बार सुंदर गेहूं निकाल करके, काजल निकाल करके लाते हैं, परंतु धत्ते धातु भी अंग मंडन मई नांगी करोति क्रिया, अंग मंडन मई क्रिया उनको भी श्री श्याम सुंदर
स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो धातु विमाने गेहूं के द्वारा अंग मंडलमयी अंगों को सजाने वाली जो क्रिया है उस क्रिया को भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं। तो यष्टिन बष्टिन अपाहेना छड़ी को हाथ से नहीं पकड़ते हैं। कले तुम श्रृंगेच संगाथता, श्रृंग जो है उसके प्रति संगाथता माने अपना साथ नहीं निभा रहे हैं। और धातु भी तो संगाथता न थकते, उनको अपना साथ ही नहीं बना रहे हैं। और धातु भी अंग मंडलमयी नांगी करो तीन क्रिया, और गेहूं और काजरी जो शिला उनके जल से रस से अपने श्रृंगार का मंडन भी नहीं कर रहे हैं। शिखरा जी ने कई जगह काजरी शिला है परिक्रमा देने जाए तो सुरभि कुंड के पास में, फिर काजरी शिला जो है वो काजरी शिला गेहूं ये उनकी कई शिलाएं हैं, और उनके द्वारा श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार किया जाए। कभी गेरुप और गोरोचन इनके द्वारा ही श्री श्याम सुंदर तलक लगा। जब मध्यान्ह में गोविंद कुंड में आप सखाओं के साथ में श्री गोवर्धन के किनारे कुश्ती लड़े, और कुश्ती लड़ने के बाद में फिर गोविंद कुंड में कूद करके नहाए है जगत के लक्ष्मीपति, परंतु दर्पण की ही कहीं कसर है, तो गोवर्धन की जो उपेती शिला है उस शिला में ही स्फटिक शिला में ही मुख दर्शन करके तलक धारण करें। और उस समय युगल गीत में गोपिकागण कह रही हैं कि दर्शनीय तिलको बनमाला, अरी सखी जो तिलक अंदाज से लगाया है तो दर्पण तो है नहीं, गोवर्धन की शिला में ही मुख की झाई देख करके तलक लगाया है तो तिलक टेढ़ा लगा है, और टेढ़ा लगने पर भी वो टेढ़े तलक की भी अपूर्व शोभा है, तो दर्शनीय तिलको बनमाला कुछ टेढ़ा हो गया है फिर भी दर्शनीय। और सखाओं ने जो बनमाला धारण कराई वो भी अद्भुत होकर के विराजमान। तो वो धातु में अंग मंडन विधि श्री गिरिराज की धातु माने गेहूं और काजल इनके द्वारा, गेहूं काजल और खड़िया इनके द्वारा अंग मंडन विधि को धारण नहीं कर रहे हैं। और परिणाम बाधे तेन घूर्णित मना, श्री श्याम सुंदर पत्ते के बाजे को भी नहीं बजा रहे हैं। बड़ा सा कोई पत्ता लिया उसको मोड़ करके उसकी पंगोली बनाई, ऊपर से मोटा और नीचे से गोल करके पतली पंगोली बनाई, और उस पंगोली को बना करके उसमें से नीचे का हिस्सा जरा सा पत्ते को तोड़ा, और तोड़ करके जो छेद है उस छेद में जरा सा लगा दिया, और फिर उसको लेकर के मुख से बजा रहे हैं पत्र वाद्य। वो पत्र वाद्य को भी अपूर्व हो रहा है। तो आज पत्र वाद्य की पर्णम बाधे थी, जो पर्ण वाद्य है पत्र वाद्य पत्ते से बनाए हुआ जो पुंगली का जो बाजा है उसको भी श्री कृष्ण नहीं बजा रहे हैं। तो पर्णम बाधे तेन घूर्णित मना, क्योंकि उनका मन घूर्णित हो रहा है, चक्कर खा रहा है। तीरे कृतांत स्वसुर, आज श्री श्याम सुंदर यमुना के किनारे खड़े हुए हैं। कृतांत माने यम धर्मराज, और उनकी बहन माने यमी रूप श्री यमुना, यमुना जी कृतांत स्वसुर यमराज की बहन मानी गई, और जो यमुना जी से प्रीति करेगा उसको श्री यम धर्मराज कभी भी दंड नहीं देंगे। श्री बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं यमुनाष्टक में कि यमोप भगनी सुतान कथम हंत दुष्टान, अभी जैसे कोई अपने भांजे को नहीं मारता है, भांजा बड़ा प्यारा होता है, बहन से भी ज्यादा प्यारा, मामा के लिए भांजा बहुत प्यारा होता है, तो यदि यमुना का कोई आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर यमधर्मराज अपने भांजे को कभी मारेंगे नहीं, उसको दंड नहीं देंगे। बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं यमोप भगनी सुतान कथम हंत दुष्टान, भांजा दुष्ट भी हो तब भी मामा उसको अत्यंत अत्यंत लाभ प्रदान करता है। किंतु उत्क्लांग्यति, श्री यमुना के किनारे श्री कृष्ण खड़े हुए उत्क्लांग्यति व्याकुल हो रहे हैं। मुक्त विभ्रम
गुण ग्राम आज मुक्त विभ्रम गुण श्री श्याम सुंदर का ये निचले को रह ही नहीं सकते हैं। सदा सदा रूप की तरंग इतनी उठती है हृदय में, उसके कारण श्री श्याम सुंदर के अंग अंग कहीं न कहीं हिलते डुलते ही रहते हैं, ये कभी भी स्थिर होकर के नहीं रहते। तो तरंग जो उठती है हृदय की भाव की जो तरंग उठती है उससे कभी भी विचले नहीं रह सकते हैं, स्थिर नहीं रह सकते हैं, कुछ चटक मटक इनको धारण करते हुए विराजमान होंगे। तो गतक सुधा की सी मटक लतक भगी रस रेल मोह सुहानी लगत आते लतक लाल की एक। सदा चटक मटक से युक्त होकर के ही ये विराजमान, कभी स्थिर नहीं रहते हैं। तो इनका विभ्रम गुण है, सदा सदा चटक मटक करने का इनका गुण है, परंतु चटक मटक करने का गुण करने पर भी होने पर भी आज ये मुक्त विभ्रम गुण उस चंचलता के गुण को त्याग करके एकदम मूर्ति सी बने हुए चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राधिका का ध्यान करते हुए। तो गतक सुधा की सी मटक, वो इनके श्री अंग की जो माधुर्य है वो माधुर्य गतक सुधा गत्त मीठा वो मीठे की अक्षयता दिखाने के लिए उसके लिए क्या एक अनुगुटम को या एक विशेष प्रभाव वाचक जो शब्द है उसको प्रकट किया जाए, और उसके लिए गतक ये कुछ शब्द जो है उनके साथ में है उनकी विशेषता दिखाने के लिए, जैसे कड़वा जहर फीका पत्त मीठा गत खट्टा चूस ये सारे शब्द जो है वो कहीं काला स्याह सफेद भक्त ये कुछ शब्द जो है वो जैसे जोड़ दिए जाते हैं उनसे एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही यहाँ पर गतक सुधा जो श्री श्याम सुंदर के अंग की मधुरिमा वो गतक सुधा एकदम गत मीठा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लकीर बन जाए ऐसा इतना मीठा होकर के गतक सुधा किसी मटक चटक भरी रस रेल, रस की ऐसी रेला चल रहा है जो एकदम गटक है और सदा सना रस की रेला उसमें बहती हुई बहाव बहता हुआ विराजमान है। अतः मोह सुहानी लगत अति लटक लाल की एक, लाल की ये जो लटक है वो अत्यंत अत्यंत रसजनों को सुहानी लगती है। तो वही मुक्त विभ्रम गुण ग्राम जिन्होंने विभ्रम गुण ग्राम उनका त्याग कर दिया, श्याम सुंदर की जो चटक मटक है उस सब का त्याग कर दिया, ऐसे दामोदर है वे दामोदर विराजमान है। अब दामोदर कहकर के श्री किशोरी जी के कितने वशीभूत हैं उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि मालिनी होकर के कवि श्री प्रिया अपने धमिल को खोल करके यदि श्याम सुंदर की कमर में लपेट दें कि तुमने अपराध किया है मुझे संकेत दे करके दूसरी मुकुंज में क्यों चले गए, तो माननी होकर के प्रिया श्री श्याम सुंदर को अपनी फूल माला से यदि लपेट दें तो श्री श्याम सुंदर उससे भी बधे हुए रहे। अतः श्री सत्यव्रत ऋषिराज वे निरूपण कर रहे हैं कि नमस्ते सुदाम में स्वरत दीप्त धाम में त्वदीयो दरायात विश्वस्य धाम में नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाये देवाये तुभ्यं। उसी लीला का स्मरण दामोदर शब्द के द्वारा कर रहे हैं कि प्रेम वश्य होकर के ये विराजमान और प्रिया ने अपने धमिल से श्री श्याम सुंदर को जो बांधा है उस प्रिया के द्वारा बांधे के बंधन को तब तक जब तक प्रिया ही नहीं खोल देंगी सखी नहीं खुलवा देंगी तब तक श्री श्याम सुंदर नहीं अपने दामोदर रूप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये दामोदर लीला दो जगह, एक दामोदर लीला है श्री नंद भवन में और दूसरी दामोदर लीला है यहाँ श्री सत्यव्रत मनु ने दामोदर अष्टक में जो आठों श्लोक वर्णन किए, दामोदर अष्टक के आठों श्लोक वे सारे श्लोक एक क्रम में वर्णन किए गए नहीं है, अलग अलग भाव दशाओं में और अलग अलग प्रेम के उल्लास परिपाक की स्थिति में वे वर्णन किए गए अलग अलग संदर्भ के वे श्लोक हैं और उनमें अंतिम जो संदर्भ है
वो अंतिम सुंदर वो जहां प्रेम अतिशय विस्तार को प्राप्त होकर के विराजमान और उसमें जितना भी ऐश्वर्य ज्ञान वो सब कहीं दूर हो रहा है, वो सारा जो महत्व ज्ञान है वो महत्व ज्ञान सारा दूर हो रहा है, अन्य जो दूसरे रसों का श्रृंगार रस के अतिरिक्त जो अन्य रस हैं, दास सख्य वात्सल्य शांत, उन रसों का भी जहां पर निराश हो गया है, वे रस भी कहीं दूर चले गए हैं, उस स्थिति के उस प्रेम का श्री सत्यव्रत मनु अंतिम श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि नमस्ते सुदाम ने, और कह रहे हैं कि हे श्री श्याम सुंदर, आपको ही प्रणाम नहीं बल्कि प्रिया जी की इस फूल माला को भी प्रणाम है, इस धम्मिल को भी प्रणाम है। ये धम्मिल में इतनी ताकत आ गई कि जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उन फूल श्याम सुंदर की सामर्थ्य नहीं है कि इस पतली सी फूल की माला को तोड़ करके वे स्वयं मुक्त हो सके, उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। प्रिया मुक्त करेंगे तो भी मुक्त होंगे, प्रिया मुक्त नहीं करेंगे तो श्री श्याम सुंदर भी वहां पर बधे रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि देही पद पल्लम उदारम, देही पद पल्लम उदारम, यही कहते हुए विराजमान। तो मुक्त विभ्रम गुरु ग्राम अत्य दामोदर है, दामोदर शब्द बहुत सार्थक शब्द है और इसी मांग की लीला में, इस लीला में श्री श्याम सुंदर की प्रेम वश्यता उसको विशेष रूप से ये प्रतीप अलंकार के रूप में प्रकट कर रहा है। प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां कोई शब्द सार्थक रूप में विशेष रूप से अपने अर्थ को प्रकट करते हुए विराजमान, जैसे दामोदर में प्रेम वश्यता इस भाव को प्रकट करने के लिए विशेष रूप से दामोदर शब्द का प्रयोग किया गया और उस पूरे संदर्भ को यह प्रस्तुत कर रहा है कि श्री किशोरी जी के प्रेम के अत्यंत अत्यंत वशीभूत हुए श्री श्याम सुंदर उनके प्रेम बंधन में सहज ही बंधे हुए हैं। श्री श्याम सुंदर यष्टिम बष्टि, दोबारा सुने, यष्टिम माने छड़ी गैयाओं को हाँकने की, उसको बष्टि न, उसको अपने हाथ नहीं पकड़ते हैं, पाणिना कले तुम श्रृंगे संगार्थताम धत्ते, अपने श्रीहस्त से श्रृंग को संगार्थी बना नहीं बनाते हैं, श्रृंग को अपने हाथ का संगी नहीं बनाते हैं, अर्थात हाथ में लेकर के श्रृंग बाजी को भी नहीं बजा रहे हैं। तो यष्टिम बष्टि न, फिर पाणिना कलय तुम श्रृंगे, हाथ से श्रृंग को पकड़ने के लिए संगार्थताम न धत्ते, माने उस श्रृंग को अपना संगी नहीं बना रहे हैं, अपना साथी नहीं बना रहे हैं। और धातु भी अंग मंडनमयीन क्रियां न अंगी करोति, गेरू के द्वारा अपने अंग को सजाने की जो क्रिया है उसको भी अंगीकार नहीं करते हैं। पर्णम बाधयते न, ये जो पत्र बांधते हैं उसको भी नहीं बजाते हैं। घूर्णित मना, इनका मन सदा सदा चंचल होकर के विराजमान है। तीरे कृतांत स्वसु, कृतांत माने यमुना, उनकी बहन, नहीं कृतांत माने यम, यम धर्मराज उनकी बहन अर्थात श्री यमुना के तीर पर, किंतु उत्क्रम्यति, ये व्याकुल हो रहे हैं। मुक्त विभ्रम गुण, इनका जो चंचलता का गुण है कि कभी इस अथानी पर आकर के बैठे, कभी उस अथानी पर बैठे, कभी उस सखा से बात कर रहे हैं, अरे वो इस समय की जो अपराध ये सायंकाल की जो लीला है उसमें श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद निरूपण कराए कि स्नान करके गोदोहन करके चैन से नहीं बैठेंगे, कभी यहाँ गए, कभी इस आखाने पे बैठे, कभी उससे बात कर, कभी उससे बात कर, कभी इससे बात कर, कभी इसे रोक, कभी वहां पर जाकर के रुक रहे हैं, कभी उस पेड़ के जाकर रुक रहे हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं और तुझसे बोल इससे बोल, जब नहीं बोलने तो सारा ब्रिज सूना हो जाएगा, आज कन्हैया बोलने क्यों नहीं आए, कभी इस पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कभी उसकी चौखंडी पे बैठ रहे हैं, ऐसे सदा विचरण कर रहे। तो वो
विभ्रम गुण जो है वो विभ्रम गुण जाने इनका कहां चला गया है, ऐसे अत्य दामोदर। अब दामोदर कहकर के तो पराकाष्ठा दिखा दी कि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के अत्यंत अत्यंत अधीन होकर के ही विराजमान है और उनके बंधन से बंधे हुए। पौर्णमासी जी कह रही है खेद सहित कि ऐसा क्यों हुआ। मधुमंगल कह रहे हैं कि ये सब ललता कौटिल्य, ये ललता जो है वो ये सब इस ज्वाला को लगाने वाली है, उसने ही ये मान की ज्वाला भड़काई है, उसकी कुटिलता है। पौर्णमासी जी कह रहे हैं कि नूनम ललते हठान वर्तित मना वर्तते राधा। ललता के द्वारा श्री राधे का सर्वदा सर्वदा हठपूर्वक ललता का अनुकरण करती हुई ही विराजमान होती है। जरूर ललता के हठ के अनुकूल आचरण करने वाली ही राधिका है, अर्थात ललता जैसे चाहे वैसे राधिका को मोड़ देती है। वो कहे कि मान त्याग कर दो तो श्री श्याम सुंदर मान त्याग कर दे, किशोरी जी मान त्याग कर देती है। यदि ललता कहे मान धारण कर अरे सखी बिल्कुल प्रस्तर के समान कठोर हो जा, ऊपर ये एकदम पत्थर के समान कठोर होकर के रह जाएगी, कहेंगे अरे सखी हम मान छोड़ दे, तो श्री ललता के कहने पर श्याम सुंदर मान छोड़ दें। तो रस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि रस में प्रवृत्त और निवृत्त दोनों कराने वाली सखी है, ऐसे ही मान को प्रवृत्त करने वाली भी सखी और मान से निवृत्त कराने वाली भी सखी ही होकर के विराजमान। तो ललता के हठ का अनुस्मरण करने वाली ही राधिका है। वृंदा जी बोले हाँ तो भगवती आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये की ये ही बात है। पौर्णमासी जी कहते हैं अरे ललता कहाँ होगी, मैं ललता से मिलूं जरा उसको समझाऊं कि अब ये मान मान ज्यादा बढ़ाए मत, हो गया खेल, इस खेल को अब थोड़ा सा संकुचित कर ले, मान को ज्यादा हवा देने की उसे प्रोत्साहित करने की अब आवश्यकता नहीं है, ललता कहाँ मिलेगी। वृंदा जी कह रही है चिंता मत करो, मैं भी इस चिंता में थी और मैंने तासाम उद्देश आयो मैं आज सुवलक प्रेषितो अस्ति, मैंने सुवल को भेजा है ललता को ढूंढने के लिए, उनके उन सखियों को ललता विशाखा राधिका इनको ढूंढने के लिए मैंने सुवल को भेजा है। इतने में सुवल आ जाते हैं, रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और कह रहे हैं आगे बंदे मैं वंदना करता हूं। पौर्णमासी जी कह रही है सुवल दृष्टा राधा दया है, अरे राधिका ललता विशाखा आदि तेने देखी क्या, कहां है वे। सुवल कह रहे हैं कि मुखरा ग्रहो पांत बर्तन हो रसालस्य मूले, मुखरा के घर के पास वाला जो आम है उसके किनारे है, लैंडमार्क बड़े बड़े ब्रिजलीला में जो लैंडमार्क होंगे वो तो वही होंगे जो ब्रिजलीला के अनुरूप है। सो कह रहे हैं श्री मुखरा के घर के पास वाले आम के चबूतरे के पास में ही, रसाल के मूल में ही, आम के पास में ही श्री राधा ललता विशाखा ये सब बैठी हुई होंगी। पौर्णमासी जी कह रही हैं वत्स मधुमंगल पूर्णम अनुसृत्य राधिकाम अवसारे अंति अस्मि, अब मैं जल्दी ही जाकर के श्री राधिका जो है उनका अवसार कराऊंगी, तो अब मैं श्री राधिका के पास में जल्दी जाकर के उनका अवसार कराना चाहती हूं। तद एतत् सूक्त चंद्र कया तुम आनंद मुकुंदम, बेटा तू एक काम कर कि तू जा और जाकर के इस मेरे वचन रूपी चांदनी से मुकुंद श्री श्याम सुंदर उनको पसंद कर, जैसे कुंद को चंद्रमा की प्रकाश से कुंद खिलता है, ऐसे मेरी इस सूक्ति मेरे इस वचन रूपी चांदनी से मुकुंद रूपी कुंद को तू प्रकाशित कर।
मुकुंद रूपी कुंद को तू प्रकाशित कर, मुकुंद रूपी कुमुद को तू प्रकाशित कर। तो एक या सूत्र चंद्र के आ तुम आनंद है मुकुंदम, अरे सखी इस अरे मत मधुमंगल बेट तुम जाओ और मैं जाती हूं श्री राधिका को श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराने के लिए, तुम श्याम सुंदर को सूचना दे दो कि पौर्णमासी जी श्री राधिका का तुम्हारे पास में अभिसार कराने वाली है। मधुमंगल एकदम हर्षित हो जाते हैं तो उस समय निकल जाते हैं, रंगमंच के बाहर चले जाते हैं, माने श्याम सुंदर के पास में चले जाते हैं। श्री वृंदा जी उस समय जनांतिकम स्वर से कह रही है कि स्वर मया समर्पितम पद्यम त्वया किम नाम विशाखायां संचारितम। नाट्य शास्त्र में पहले भी ऊपर कराई कि जहां जनांतिक होता है वहां पर जिससे बचाना है, माने कोई बात किसी के कान में कही जा रही है तो बोलना तो जोर से पड़ेगा, क्योंकि रंगमंच में जो सबसे पीछे वाली बेंच के ऊपर बैठा हुआ है उस तक आवाज पहुंचनी चाहिए, तो बोला तो माइक लग रहा है या कहीं कोई ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था है तो बोला तो जोर से ही जाएगा, परंतु ये बात कान में कही जाएगी, अब कान में कही जाएगी तो श्रोता कैसे सुनेगा रंगमंच का। इसलिए जनांतिक कई एक पद्धति है कि जिससे कहा जा रहा है उसके पास में आया जाएगा और दूसरे जो पात्र हैं उनके आगे इस तरह से हाथ रख लिया जाए। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को से तो कहा जा रहा है, ये सुन रहा है, और इन वचनों को और जो लोग हैं उन लोगों ने नहीं सुना, उसको मृगी मुद्रा कहते हैं। मृगी मुद्रा बना करके इस तरह का हाथ बना करके या मृगी मुद्रा से मैं केवल मैं अपने मन में कोई बात कह रही हूं ये बात प्रकट की जाएगी और दूसरे लोगों से उसको बचा लिया जाएगा। तो अपवाद या जनांतिक इनके द्वारा दूसरे लोग नहीं सुनेंगे, वो व्यक्ति जो है वो सुन जाएगा और सामाजिक ये समझ जाएगा दर्शक कि ये बात केवल काम में कही गई है, जबकि बोला जाएगा उसको स्पष्ट रूप से। तो श्री वृंदा जी जनांतिक माने सुबल के कान में आकर के कहती है, सुबल मया समर्पितम पद्यम त्वया किम नाम विशाखायां संचारितम, मैंने तुझे एक चिट्ठी दी थी ना, एक पद्य दिया था उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था, तूने उसे विशाखा को दिया कि नहीं। तत्वतः ये जो चिट्ठी है ये जो पुर्जा है वो पुर्जा श्री वृंदा जी ने लिखा था और वृंदा जी ने श्री राधिका के लिए एक श्लोक लिख करके भेजा था और उसमें ये उपदेश किया गया था।